दोस्तों धूली का जो घाव है वो जल्दी से ठीक होने के लिए हम दोनों ने इसको भालू का जो भालू इसका मम्मी ने भालू का जो टेल होता है भालू रियल भालू सच में रियल भालू का जो टेल होता है तो लगाने के लिए दिया है। एंड हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को, स्वागत है हमारा और एक नया वीडियो पर। एंड गाइस आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कोंगरा बस्ती हम लोग गए थे, कितना सुंदर था और आप लोगों ने बहुत सारा कॉमेंट किया एंड ढेर सारा प्यार दिया और इसी तरह प्यार देते रहना। आगे वीडियो भी हम लोग कोंगरा से रिलेटेड और कहीं कहीं से रिलेटेड वीडियो धारने वाले हैं दोस्तों। एंड आज का जो वीडियो है बीच में हम लोग धार रहे हैं और एक फोटो भी हम लोगों ने पोस्ट किया था हम लोगों का एक्सीडेंट होने के बाद, तो वहाँ पे बहुत भयंकर दिख रहा था हम दोनों और धोली तो और खतरनाक लग रहा था और वैसे भी बहुत जोर से लगा धोली, तो आप कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा चिंता और हो रहे थे और व्हाट्सअप फेसबुक कहीं में भी। बहुत ही ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद हम दोनों आज वीडियो बना रहे हैं आफ्टर टू डेज के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। कल परसों हम लोगों ने बनाया ही नहीं है क्योंकि थोड़ा हालत खराब था तो इसलिए वीडियो बनाया नहीं है। तो गाइस आज हम दोनों सीधा हमारा धोली के घर पे वीडियो बना रहे हैं। सच में बता रहे दोस्तों, यहाँ आने के लिए हम दोनों एक वीडियो बनाने का सोचा था लेकिन मतलब एक्सीडेंट होने की वजह से हम दोनों इतना मतलब वीडियो नहीं बना पाए दोस्तों। तो आज ये वीडियो भी यहाँ पे बैठे धोली का गांव पे धोली का घर पे मम्मी पापा के घर पे हम दोनों वीडियो बना रहे हैं। काफी लोग चिंता हुए थे कि हम दोनों कैसे एक्सीडेंट हुआ, कितना खराब से एक्सीडेंट हुआ और काफी लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत ही ज्यादा स्पीड चला करके एक्सीडेंट हुआ, बहुत स्पीड से चला के एक्सीडेंट हुआ हाईवे पे, ऐसा स्पीड मत चला, ऐसा आराम से चलाना, ऐसा चलाना वैसा कॉमेंट आ रहे तो हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है यार। दोस्तों मतलब हाईवे में वैसे तो स्पीड ही चलाते हैं लोग लेकिन हम दोनों बहुत ही ज्यादा नॉर्मल से चला रहे थे। 20 के स्पीड पे शायद बाइक चलाने लोगों को पता होगा, स्कूटी चलाने लोगों को पता होगा 20 का स्पीड बहुत ही ज्यादा आराम से होता है। तो वैसे भी टर्निंग भी था तो टर्निंग में भी 20 भी नहीं था शायद, तो टर्निंग पे एक्सीडेंट हो गए थे हम दोनों, थोड़ा मतलब पत्थर पे टकरा गए। वो वीडियो आप लोग को बाद पे यूट्यूब पे वीडियो पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। पूरा इतना खूबसूरत चेहरा को लग गया यहाँ पे देखे, एक साइड से ठीक है एक साइड से पूरा चोट लगा हुआ है इसको। सच बता रहे बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गए थे हम दोनों। हम तो बहुत ही ज्यादा डर गए थे जब हम दोनों एक्सीडेंट हुए, तो एक्सीडेंट जब हम दोनों हुआ एक्सीडेंट स्पॉट पे बहुत ही ज्यादा देर बैठे, 10-15 मिनट तो हम दोनों वहीं पर बैठे। उस बीच में बाइक गाड़ी कुछ भी नहीं आ रहा था, बाई चांस हम दोनों को सीरियस होता तो हम दोनों बहुत ही ज्यादा दिक्कत पे पड़ जाता। तो थैंक गॉड कि हमारा मतलब हाथ पैर नहीं टूटा, हाथ पाँव नहीं टूटा, बस थोड़ा स्क्रैच हुआ और मतलब इतना तक ये भी मतलब थैंक गॉड कि इतना सीरियस नहीं हुआ। धोली को चेहरा भी लग गया, हमको जो है दोस्तों देखिए हाथ पे लगा है, पाँव लोग भी लगा है। सच बता दो दोस्तों हम दोनों एक्सीडेंट होने का उसका कल भी हम एक्सीडेंट हुआ है, हम उसका कल भी एक्सीडेंट हुआ है, वो भी बहुत हमको जहाँ चोट लगा है वहाँ पे लगा है, बहुत ही ज्यादा दर्द करे। ये लोग चोट लगे दोस्तों देखिए, उसका कर भी तो हमको और खराब से चोट लग गया, क्या है बताऊँ, बहुत खराब से दर्द कर रहे अभी गाँव देखिये दोस्तों। पूरा ये लोग पे जो है ये दो डोर काला तिल हो गया, पूरा खून जम गया इसमें, ये ठीक हो गया, बस मेरा ये राइट हैंड जो है बहुत दर्द कर रहा है लेकिन चेहरा पे हमको ज्यादा नहीं लगा है पता नहीं क्यों। दोस्तों आप लोग बोल रहे थे कि काफी सारा लोग हेलमेट पहनो, हेलमेट यूज करना है, हाँ हम दोनों हेलमेट यूज कर रहे थे जस्ट एक्सीडेंट होने से 2-3 मिनट बिफोर हम पहना था, तो उसका बाद हम धोली को पहनो बोल के हेलमेट उतार के दिया है। तो धोली क्या कर रहे की दोस्तों उसको, तुम क्यों नहीं पहने तुम बताओ? हमको चक्कर लग रहा था, बूमी होने वाला हो रहा था इसलिए हमने नहीं पहना था, क्योंकि बूमी होते समय उसको निकालना फिर तकलीफ लगता था इसलिए नहीं पहना था। ठीक वो समय अगर तुम पहना उनसे तुमको चेहरा भी उतना चोट नहीं लगना था, समझे? तो नहीं जानता हम हमेशा हेलमेट, हमारा पास हेलमेट दो नहीं है तो एक होने से हम हमेशा इसको पहनाता है लेकिन मतलब इसको ही हम पहनाता है, ऐसा कुछ होगा तो प्रोटेक्ट रहने दो बोल करके। तो क्या बोलेगा, हेलमेट जैसे उतरा वैसे एक्सीडेंट हो गया तेरेगा। तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट था, हम दोनों यहाँ से कम भी 2-3 मीटर तक लुढ़कते गए यार, सच में बता रहा हूँ बहुत भयंकर था। और गैस मेरा हेयर स्टाइल कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट भी बताना, बहुत सारा लोग मेरा हेयर को बहुत हेट करते हैं, मेरा बाल को बहुत खराब सोचते हैं मगर मेरा बाल हमको इतना खराब नहीं लगता है, पता नहीं हमको इतना खराब नहीं लगता है, हमको इतना अच्छा दिखना भी नहीं चाहता है हम, मतलब मेरा हेयर स्टाइल जो है हमको अच्छा लगता है लेकिन काफी सारा लोग को बहुत खराब लगता है, बहुत खराब दिखता है, वीडियो को एंजॉय नहीं करते बस मेरा बाल को ही वो लोग कमेंट करते हैं। तो आप लोगों को सॉरी, मैं बाल काट दूंगा एंड आप लोगों का कमेंट की वजह से मैंने आज काट दिया है, आते समय यहाँ पे साइड पे काटा है
ये ऊपर का नहीं काटे, जब मैं छोटा बात नहीं काटूंगा, जब मेरा जो सब्सक्राइबर 10K होने के बाद। दोस्तों आप लोग मेरा हेल्प कीजिए, हमारा हेल्प कीजिए 10K सब्सक्राइबर होने के लिए ना, तब हम दोनों बाल काट देंगे दोस्तों। और हम दोनों ने हम काटेगा। और एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि दो बार कमेंट आया था कि हमारा लव स्टोरी के बारे में बताओ। आप लोग एक्साइटमेंट होगी नहीं हमारा लव स्टोरी के बारे में जानने के लिए दोस्तों। वो भी मैं 10K होने के बाद बताऊंगा ऐसा सोच रहा हूँ। वैसे मैं ऐसा प्लानिंग था मेरा, लेकिन आप लोग का सामने रिवील नहीं किया था। 10K होने के बाद हम अपना लव स्टोरी बताएंगे दोस्तों, बाल काटेंगे, अपना लव स्टोरी बताएंगे। तो उससे पहले आप लोग इतना कमेंट मत कीजिए कि बाल काट दो, आप बहुत खराब लग रहे हैं। वैसे तो मैं खराब ही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है अपना बाल, इसलिए मैं पाल के रखता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था, शॉर्ट सा हम दोनों बना रहे थे यहाँ पे ससुराल पे। हम दोनों इतना वीडियो भी बनाया नहीं है, इतना बारिश दे रहे यहाँ देखे, इतना वीडियो भी बनाया नहीं है। दोस्तों धोली का जो घाव है वो जल्दी से ठीक होने के लिए हम दोनों ने इसको इसका मम्मी ने भालू का जो टेल होता है, रियल भालू का जो टेल होता है कुंभ सूत्र जो हम लोग कहते हैं, वो जो लगाने के लिए दिया है, उससे जल्दी से ठीक हो जाता है ऐसा बता रहा है। चल रहा है तो एक दो दिन लगाएंगे इसको। अभी दर्द हम दोनों को मतलब इनर चोट तो इतना खराब से अभी फिलहाल दर्द तो नहीं दे रहा है, तो शायद नहीं हुआ होगा अभी तक, दर्द नहीं कर रहा। तो बार बार थैंक गॉड और आप लोगों का प्यार की वजह से। ये लोग भी देखो इतना खराब से लगा, ये लोग, ये तो बहुत, ये बहुत पेनफुल है दोस्तों, सच बताऊं तो बहुत तकलीफ से आए थे हम दोनों वहां से, बा क्या है बताऊं, हम दोनों का जान जाते जाते बच गया दोस्तों, सच बताऊं जान जाते जाते बचे हम लोग। कोंगरा बस्ती में जो एंजॉयमेंट हम लोग किया है वो वीडियो भी अभी इसके बाद आप लोग को देखना है। तो आप लोग को बहुत सारा प्यार देना है दोस्तों, बहुत सारा सपोर्ट करना है हमें, अभी हमें और सपोर्ट करना है और प्यार देना है अभी। हम लोग आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। Bye.